इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को निवेशकों ने हाथों हाथ खरीद लिया। गुरुवार को बोली के आखिरी दिन इसे 1101.91 गुना तक सब्सक्राइब किया गया। ये IPO सोमवार 30 सितंबर को खुला था और इसे सब्सक्राइब करने का गुरुवार को आखिरी दिन था। इस IPO में कंपनी ने 2 करोड़ के शेयर बिक्री के लिए रखे थे। एक्सचेंजों के पास आए आंकड़ों के अनुसार कंपनी को बोली 225 करोड़ शेयरों के लिए मिली थी। इस IPO से IRCTC करीब 645 करोड़ रुपए जुटाएगी। सरकार ने कंपनी में अपनी 12.6% हिस्सेदारी बेची है। IRCTC के IPO को 112 गुना की बोली मिली है। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा था कि IPO को 1101 गुना बोली मिली। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने ट्वीट में कहा कि इस IPO के जरिए सरकार ने कंपनी में अपनी 12.6% हिस्सेदारी बेची है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली केंद्र सरकार की दूसरी कंपनी CPSI होगी। इस IPO में प्रति शेयर 315 से 320 रुपए का प्राइस रेंज रखा गया है। इस IPO में 1.60 लाख शेयर योग्य कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। IPO के साथ 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत पेश किए गए। आपको बता दें कि येस सिक्योरिटीज, SBI कैपिटल मार्केट और IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज इस ऑफर को प्रबंधित कर रहे हैं। मर्चेंट ब्रेकिंग सूत्रों के मुताबिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए आरक्षित शेयरों की श्रेणी में 108.79 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर श्रेणी में 354.52 गुना और रिटेल निवेशक श्रेणी में 14.65 गुना बोली मिली। शेयर बाजारों के पास शाम 6:45 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार IRCTC के बिक्री के लिए रखे गए 2 करोड़ शेयर के एवज में 25 करोड़ शेयर के लिए बोलियां मिली। आपको बता दें कि IRCTC एक वेबसाइट संचालित करती है। इसके अलावा IRCTC 30 जून तक हर महीने 15 से 18 मिलियन लेन देन कर चुका है। अभी IRCTC इंटरनेट टिकटिंग, खान पान, पैकेज, रेल नीर ब्रांड के जरिए पीने का पानी और यात्रा और पर्यटन जैसे 4 व्यापारों से जुड़ा हुआ है। IRCTC के IPO की उम्मीद से ज्यादा बिक्री होना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है।